तो फ्रेंड्स, ये हमारा सुगम जो ज्योग्राफी यानी सुगम भूगोल क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 है, परिवहन। और चूंकि किसी बंदे का कमेंट आया तो इसलिए ये वीडियो आ रहा है। तो अगर नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? तो उत्तर है कि स्वर्णिम चतुर्भुज भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है। यह चार प्रमुख शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। यह दुनिया का पांचवा सबसे लंबा राजमार्ग है, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सीमांत सड़कों का रख रखाव कौन करता है? तो सीमांत सड़क का निर्माण एवं रख रखाव सीमा सड़क संगठन करता है। दो एक्सप्रेस वे के नाम लिखना है, तो दिल्ली जयपुर और मुंबई पुणे, ये हमारा हुआ। उसके बाद फोर नंबर क्वेश्चन है, बिहार से गुजरने वाले तीन महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के नाम लिखना है। तो बिहार से गुजरने वाले तीन महत्वपूर्ण रेलगाड़ियाँ विक्रमशिला, मगध, श्रमजीवी और भी है, लेकिन तीन ही बोल रहा था। पाँच नंबर क्वेश्चन है, मध्यम रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1000 मिलीमीटर, जो दो लाइन होता है इसके बीच की चौड़ाई। हालांकि इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, राजमार्ग से आप क्या समझते हैं? तो राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण एवं देख रेख की जाने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। और सात नंबर क्वेश्चन है, देश में रेलमार्गों की कुल लंबाई कितना है? तो लगभग 67,956 किलोमीटर, चूंकि इसका अलग अलग डाटा है, 2019 में कुछ था और मतलब ऐसे समय के अनुसार ये कुछ है इसका, मतलब ये बढ़ भी सकता है। तो ये लगभग में लिखा हुआ है और करेंटली में क्या है ये पता नहीं है, बट लगभग मैं ऐसा लिख सकते हैं 67,956, क्योंकि 19 के जो डाटा है उसके अनुसार इतना ही होगा। और एट नंबर क्वेश्चन है, दो तेल पाइपलाइनों का उल्लेख करना है। तो डिगबोई बरौनी कानपुर तेल पाइपलाइन और डिगबोई बरौनी हल्दिया तेल पाइपलाइन। और नाइन नंबर है, पटना स्थित अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल का क्या नाम है? तो राजेंद्र प्रसाद अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन जो कि इसका लास्ट है, देश में पहली बार रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच और कब चली थी? तो ये सबको पता ही होगा, देश में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की लंबाई में चलाई गई थी। हालांकि ये लिखना नहीं है बट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पर लिखा होगा। तो वीडियो को पेंट करते हैं, वीडियो अच्छा लगता है लाइक में से कर दे। तो मिलता है नेक्स्ट में, तब तक ले जय भारत।